अगले 10 दिन तक राजस्थान से मानसून की विदाई के आसार नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से एक सिस्टम के सक्रिय होने से बारिश के आसार बढ़ गए हैं, लिहाजा मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन दक्षिण पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो रहा है, खासतौर पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कम से कम अगले एक हफ्ते तक पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 के बाद पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुल मिलाकर अगले 10 दिनों तक मानसून प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता दिखाएगा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है, जो अब फिर से सक्रिय हो रहा है। मानसून के कमजोर पड़ने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। प्रदेश में 13 सितंबर तक 430 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सामान्य से 9% ज्यादा है। मानसून के करीब एक सप्ताह देरी से लौटने की खबर खरीफ की फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में खुशी की लहर है।